हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू सोनी ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सुबह हो चुका है और मैं भी नहा धोवा के जस्ट बैठी ही हूँ और बाहर बारिश हो रहा है, कभी धूप निकल रहा है फिर बारिश हो रहा है, तो ऐसे मतलब बहुत परेशानी हो रही है। बार बार कपड़े छत पर डाल दो फिर जाके हटाओ। और अभी मेरा बेटा गया स्कूल, वो आता है, उसके बाद भी मिलती हूँ मैं आप लोग से। तो गाइस, आज घर में बना था चाट, जो कि घर में ही बना था, बाहर से नहीं आया है। तो मेरा चाट इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो चलते हैं इसे खाने। और मैं आप लोग से एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा परिवार 3 से 4 होने वाला है, मतलब मेरे बेटे बेटा भाइया बनने वाला है, तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। 4 hours later. तो गाइस, रात हो चुका है और मैं अभी बैठी हूँ पेंटिंग करने के लिए। और ये जो बत्तख वाली पेंटिंग देख रहे हैं वो बेटे की होमवर्क में मिली थी, जो मैं बनाया था उसके स्कूल होमवर्क में। और ये यशोमती मैया और कृष्णा जी का मैंने बनाया अभी फ़ोटो, जो कि मुझे मैंने एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखा था, तो उसी को मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और अभी बैठ के बनाया है। तो आप लोग बताइए कैसा बना है। पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग करती थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, पर शादी के बहुत सालों बाद अब मैंने खुद एक पेंटिंग बनाया है। और पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ मेरा बेटा ओरियो के साथ खेल रहा है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, इन दोनों का मस्ती हमेशा चलता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि उसका फोटोज़ और वीडियोज़ यू भी रिकॉर्ड कर रहा है और ओरियो उसके पीछे पड़ा हुआ है। मतलब वो बेड पे से अगर एक पैर भी रख देता है ना मेरा बेटा, तो ओरियो बस उसके साथ खेलने के लिए रेडी हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ वो जाएगा। The next day. बाहर आज मौसम बहुत खूबसूरत था और रेनबो निकल चुका है, तो चलिए रेनबो दिखा रहे उधर साइड। तो गाइस, यहाँ पे निकला है रेनबो और दिखाते हैं वहाँ पे। अब वो भी खत्म हो रहा है, हल्का फुल्का वहाँ तक नीचे झुक चुका है, इस साइड से नहीं हो रहा है, इस साइड से खत्म होता जा रहा है। और इतना मौसम कैसा लग रहा है? और मौसम तो भाई बहुत बढ़िया, अगर बारिश नहीं होती और अच्छा होता, क्योंकि बारिश से ही ज्यादा है ना मौसम बेकार लगता है, इधर उधर कीचड़ वीचड़, इसलिए भाई मुझे बारिश नहीं पसंद है। हम लोग के घर के पीछे नदी है ना वो, हाँ दिखाते चलिए आप लोग को नदी दिखे है तो। अब ना भाई हम लोग को बहुत घर बन गया पीछे खेत में, पहले खेत में घर नहीं था तो पूरा नदी दिखता था, जब बाढ़ आने वाला रहता था ना तो पूरा पानी दिखता था। वो आप देख रहे हैं सबसे पीछे उधर ही नदी है, पहले ये पूरा फील्ड था, मतलब खेत वेत था, जंगल था। तो पहले यहाँ पे बहुत सारे मैंगो होते थे उस सबके बहुत सारे पेड़। और इधर से मैं आगे तक जाता हूँ, वहाँ पे एक लीची और मैंगो का भी पेड़ है, बहुत बढ़िया लगता है, मंदिर के पीछे है और बहुत ब्यूटीफुल नज़ार होते हैं वहाँ पे। अगर रेनबो होता ना तो भाई फुल रेनबो दिखेंगे। और ये हमारे छत पे का गार्डन नहीं हुए, और ये पूरा गार्डन क्या हुआ? झंडा देखो, दोनों झंडा साथ साथ आ रहा है फोटो में, वीडियो में, सॉरी, सबका झंडा ही लहरा रहा है सबका झंडा। हवा कितना मस्त चल रहा है ना, बहुत दिनों बाद बारिश होता है ना, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, इसी वजह से है ना। बड़ी नानी भी आ गई। भगवान ने करो खाली, अच्छा मौसम होगा हम लोग बारिश करके सब खराब कर देंगे।
बारिश होता है ना तो फिर हवा पूरा बंद हो जाता है। देखो वहाँ पे कोई नहीं चल रहा, बस वहाँ पे सफेद कलर दादाजी चल रहे थे, सफेद कलर का दादाजी, अरे कपड़े चल रहे थे। देखिए अभी एकदम बारिश में एकदम गंदा फील होता है भाई वहाँ पे, और गाय भी होती है ना तो बेकार। उधर तो देखिए ना वहाँ पे कितना मस्त बादल निकला हुआ है। उस दिन तो बादल बहुत सुंदर था ना, यूपी जैसा लग रहा था। और वहाँ पे दिखा ना वो टैंकर पानी वाला, दिखा तो रहे। हम लोग वहीं से गए थे ना नेपाल, इधर से थोड़ी लग रहा। नेपाल और चाइना एक शांत जगह है, बहुत शांत। आप लोग अगर कहीं भी चाइना पे जाएंगे ना तो आप लोग को बहुत शांत जगह दिखेगा। गाइस यूपी के शहर आ चुके हैं तो चलते हैं नीचे। रात हो चुका है और मैंने रात का खाना भी बना लिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना लगता है ना कि क्या बोले हम। ओरियो को तो बस यूवी दिख गया तो उसके साथ खेलना है। और यहाँ पे गाइस मैं दवाई खाने बैठी हूँ, और देख सकते हैं आप लोग कितने सारे दवाई मिले हुए हैं। तो गाइस कुछ भी हो, मतलब बीमारी हो चाहे अच्छा भी गुड न्यूज़ हो, हर चीज़ में दवाई खाओ। और प्रेगनेंसी में तो पूरे 9 महीने खाओ, उसके बाद भी कंटिन्यू ही रहता है। तो मतलब और दवाई खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाती हूँ एक टैबलेट तो लगता है मुझे उल्टी होता है, जल्दी से मैं कुछ मुंह में डाल लेती हूँ, चॉकलेट चाहे बिस्किट एक्स नहीं तो मेरे से सच में उल्टी हो जाएगा। और यहाँ आप लोग देखिए ये लोग का नौटंकी चालू, युवराज कुमार और ये ओरियो कुमार। ओरियो ओरियो यूपी ओरियो का फोटो क्लिक कर रहा है बाथरूम में जाके, क्योंकि वो पैर को चढ़ते रहता है। इधर आओ, नहीं वो फिर से पैर को चढ़ जाएगा, नहीं आएगा वो। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा तो ये देख सकते हैं बस यूवी दिख गया नहीं, ओरियो उसके साथ खेलना चल गया। देखिए उसका पैंट चबा रहा है, इतना बदमाश हो गया ये, देखिए उसको छोड़ता ही नहीं है। मुझे गिरा देगा ओरियो। और तुम कितना सारा फोटो क्लिक करोगे ओरियो का? बहुत सारा, पूरा भर दोगे कैमरा क्या? आधार कार्ड बनाएगा ओरियो का, बता दूंगी एकदम बढ़िया परफेक्ट फोटो आ गई। तो गाइज ये कैमरा कब का, इधर दिखलाओ कैमरा दिखलाते हैं। ये गाइज ये कैमरा हम लोग ने जब नए नए शादी करके जब हम लोग पहली बार बाहर घूमने गए थे कहाँ, गैंगटॉक सिक्किम, तो वहाँ से हम लोग ने लिया था। लगभग 10 साल हो चुका है और ये कैमरा अभी भी मस्त ही है। बीच में कहाँ चला गया था मुझे मिल ही नहीं रहा था। और गाइज मुझे मतलब पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो लगभग 1 साल हो चुका। और ये पांडा मैंने ऑनलाइन देखा था, ऐसे ऑनलाइन आपको इसका स्टिकर मिल जाएगा, लेकिन मैंने स्टिकर नहीं मंगाया क्योंकि मुझे खुद पेंटिंग आती है। तो बेटे ने मंगाया था पेंट, तो ब्रश पेंट, तो मैंने सोचा कि चलो खुद से ही कुछ कलाकारी करे, वरना वो तो सिर्फ वेस्ट ही किया है। तो मैंने ये बनाया था पांडा, अब पूरा मतलब कि मेरे दीवार पे ज़्यादा देर ऐसे चलने के बाद हो जाता है ना नमी हो जाता है पूरा दीवार में, इसी कारण पूरा चित्ती लग गया है, वरना तो अभी भी मस्त ही है मेरा पांडा। पैंट की क्या की होगी, तुम्हारा पैंट चबा रहा है ओरियो, खींच रहा अभी भी, अभी भी तो खींच ही रहा है पैंट। ओरियो छोड़ो भैया को, देखो अभी कोई दांत ऐसे है ना, ऐसे इतने इतने तरह दांत निकाल लेता अपने और ऐसे बैठता एकदम एकदम। तो गाइस ये मैं चश्मा, और कमेंट करके बताना बताना चोर घर से लिया है, चोरी का सामान है, चलो 10 रुपए और चोरी का लिया है। तो गाइस यूपी और यूपी के पापा का नौटंकी चल रहा है, ठीक है, सामान लेता है 10 रुपए का लेता है, 10 रुपए का चश्मा, 10 रुपए घड़ी, 10 रुपए घर। तो मेरे भी हस्बैंड भी लेता है। हाँ तो गाइस एमसी का चश्मा, हाँ 10 रुपए का चश्मा, देखिए ये एमसी का चश्मा और बादशाह, बताइए कौन सा बढ़िया। मेरे को तो ज्यादा 10 रुपए का चश्मा, मेरे को ज्यादा ये अच्छा लगता है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा
ये बादशाह का, मैं बादशाह का फैन नहीं हूँ लेकिन भाई ये गोल्डन चश्मा है, तो यहाँ पे चीता और मेला से, और ये लिया हूँ ओडिशा से। तो गाइज इस वीडियो करते यहीं पर एंड, और मिलती हूँ मैं आप लोग से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।